अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों को दोबारा एक कस्टमर के लिए डोमेन बाय करके दिखाऊंगा। लेकिन आप लोगों को तरीक़ेकार किस तरह पता चल जाएगा किस तरह डोमेन बाय करते हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से डोमेन बाय करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने ऐसे करना है जिस तरह आप लोग पिछले वीडियो के अंदर देखते आए कि आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोगों ने उसे ऐसे पेस्ट करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसे बेनिफिट ये होता है कि आप डायरेक्ट प्रोमो कोड वाले पेज के ऊपर आ जाते हैं, आपको टैक्स वगैरह नहीं लगते। ठीक है, आप यहाँ पर ये देखें, डायरेक्ट आप प्रोमो कोड वाले पेज के ऊपर आ गए। अगर आप लोग बिल्कुल ऐसे फॉलो करेंगे तो आपको सेम बिल्कुल जिस प्राइस के अंदर मैं बाय कर रहा हूं तो आप लोगों को भी इसी प्राइस के अंदर मिलेगा। तो यहां पे ये देखिए, हमारे पास प्रोमो कोड भी आ चुका है। जैसे हम इसे अप्लाई करेंगे तो ये हमें इसी रेट के ऊपर मिल जाएगी। तो यहां पे हम देख लेते हैं कस्टमर ने कौन सी डोमेन की कहा है। तो यार, इसने ये देखिए पेमेंट भी सेंड कर दिया, हाफ पेमेंट अभी कर दिया और कुछ बाद में करेगा। तो मैं इसे इसकी ये डोमेन कॉपी कर लेता हूं और यहां से मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। यहाँ से ये देखें, ये इसकी पेस्ट है, देखते हैं ये मिलती है नहीं मिलती। ये .com तो पहले ही है, इसका ये मैंने प्रोमो कोड दिया हुआ है। और यहाँ से मैं जैसे सर्च करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। न्यू कॉम 98 के नाम से ये प्रोमो कोड है और इसे मैं सर्च के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा, देखते हैं ये डोमेन हमें मिलती है या नहीं मिलती। तो यहाँ पे ये देखें दोस्तों, हम नीचे आके देखें तो ये देखें ये डोमेन हमारे पास दस्तियाब है। तो इसे मैं ऐड टू कार्ट क्लिक कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखें, जैसे ये मैंने क्लिक किया तो ये चेकआउट आ चुका है। मैं चेकआउट के ऊपर जैसे क्लिक किया तो अब ये हमें अगले सफ़े के ऊपर लेके आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखें, अभी मैं प्रोमो कोड लगाऊंगा तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा ये देखें, ये अभी रुकें, मैं आप लोगों को ये पहले इसमें ये कहेगा कि साइन इन करें। तो मैं एक दफ़ा आप लोग प्रोमो कोड लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, जैसे मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लॉगिन होना आप लोगों का ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास अकाउंट नहीं है तो आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, आप लोगों ने ये पेज क्लोज नहीं करना, यहाँ पर ओपन लिंक का न्यू टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब मैं यहाँ पर ये कस्टमर का नया अकाउंट बना देता हूँ, क्योंकि इनको पता नहीं है किस तरह अकाउंट वगैरह बनाया जाता है। तो आप लोगों ने अगर हमसे बाय करनी है तो आप लोगों की बिल्कुल फ्रेश जी मेल देनी होगी। उससे बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों को एक अच्छा प्रोमो कोड वगैरह मिल जाता है। तो अगर आप लोग के पास कार्ड नहीं है तो आप लोग हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूं। तो यहाँ पे ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास ये चीज़ें आ चुकी है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूं क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसी वाले पेज को आप लोगों ने क्या करना है, एक दफ़ा रिफ्रेश कर देना है। तो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर ये देखें हमारे पास वेलकम की ईमेल भी आ चुकी है। तो अब मैं जैसे इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें आ चुका है। तो अब ये हम वहाँ पर जो प्रोमो कोड हमने कॉपी किया था वो अब हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने पेस्ट किया, अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें दोस्तों, हमारे पास प्रोमो कोड लग चुका है। तो अब मैं कंफर्म ऑर्डर के ऊपर जैसे क्लिक कर देता हूँ, ये तकरीबन हमें 6.16 डॉलर की पड़ रही है डोमेन। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इससे पहले के ये ताकि हमें डबल काम ना करना पड़े, तो मैं कार्ड के अंदर बैलेंस ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं कि हमारे पास अभी बैलेंस नहीं है। हम बैलेंस के जरिए बाय करके देते हैं कस्टमर को, तो हम टॉप अप बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0.0 टॉप अप बैलेंस है। ठीक है, अगेन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोगों ने ये वाला पेज क्लोज नहीं करना। ठीक है, तो फिर यहाँ से मैं टॉप अप के ऊपर क्लिक करता हूँ, बैलेंस ऐड कर लेता हूँ अपने कार्ड के जरिए, और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बाय करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कार्ड पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से अमाउंट पूछ रहा है, तो मैं अमाउंट आप लोगों को उतनी लिख के बताऊंगा कि आप लोग उतनी लिखें जितनी आपको ज़रूरत है। ये नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से आप देखें कि अब ये टॉप अप होने के लिए कुछ रेडी हो रहा है। तो अब ये यहाँ से हमसे कुछ कार्ड वगैरह की डिटेल मांग रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी अपने कार्ड की डिटेल फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें दोस्तों, जैसे मैंने अपने कार्ड की डिटेल फिल की तो ये मैं प्रोसीड चार्ज के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ। तो अब ये देखें, हमसे कह रहा था कि इतना बैलेंस, मैंने कहा ठीक है यार आप चार्ज कर लें। और ये देखें यहाँ पर फंड ऐड हो चुका है ईजिली। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने देखा कि अब मैं डैशबोर्ड के ऊपर दोबारा आ जाता हूँ, यार ये फ़ंड ऐड हो गया या नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये देखें, ये फ़ंड वगैरह हमारे पास ऐड हो चुका है। तो अब मैं इस वाले पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, और अब यहाँ पे मैं कंपनी नेम वगैरह दे देता हूँ, कोई भी आप दे दें रैंडम सा। और यहाँ पर एड्रेस वगैरह ये पहले इसने ऑटो मैनुअल फिक्स कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप जैसे मैंने ये डिटेल वगैरह फिल किए, अब मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये हमसे दोबारा कह रहा है कि आप लोगों का एड्रेस वगैरह, मैं कहता हूँ ठीक है कंटिन्यू क्लिक करें। तो अब ये देखें मेन चीज़ आ गया, हमारा बिलिंग का एड्रेस। ठीक है, हर चीज़ हर कस्टमर यहीं से अटक जाता है कि यार हमसे पेमेंट नहीं हो रही। पेमेंट यार ये वीसा कार्ड, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए होती है, या आप लोगों के पास पेपाल का मास्टर कार्ड या वीसा कार्ड है उसके जरिए होती है। याद रखें, पेपाल के डायरेक्ट अकाउंट से नहीं है, उसका वीसा कार्ड या मास्टर कार्ड देना होता है। ठीक है, और यहाँ से अकाउंट फंड के जरिए, मैं अकाउंट फंड के जरिए जैसे क्लिक करूँगा तो जितना हमारे पास फंड है, तो ये कह रहे हैं कि आप लोग इस फंड के अंदर ये डोमेन बाय कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें कि ये अभी कुछ ही देर के अंदर हमसे कह रहा है कि आप लोगों से इतनी पेमेंट चार्ज की जा रही है, आप लोग रेडी हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, पे नाउ क्लिक करें।
तो अब ये देखें ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर है, जैसे ये ऑर्डर कंप्लीट होता है तो हमें थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। अगर बिल फर्ज किसी वजह से पेमेंट नहीं होती तो फिर ये हमें रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास थैंक यू और परचेज का मैसेज आ चुका है। तो ये देखें अब मैं डैशबोर्ड को जाके चेक कर लेता हूँ यार ये डोमेन वाकई मेरे पास आ चुकी है नहीं आ चुकी। तो यहाँ पे अभी देखें ये हमारे पास ये आ चुकी है, आज 22 तारीख है और ये देखें जो डोमेन हमने बाय की थी वो आ चुकी है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी, मैं आप लोगों से अगेन कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास कार्ड नहीं है तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, आप लोगों को बिल्कुल मैं चीप रेट के अंदर ये डोमेन बाय करके दे दूंगा। तो आप लोगों को बिल्कुल ट्रस्ट करना है क्योंकि इसमें कोई फ्रॉड वाली बात नहीं। मेरे चैनल के ऊपर इससे पहले बहुत सारी वीडियो हैं और बहुत सारी वीडियो ऐसी भी होती है जिन्हें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता लेकिन मैं कस्टमर को बाय करके दे देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर अभी ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जो कि आप लोगों को डोमेन और होस्टिंग जैज कैश के जरिए यानी कि अच्छे प्लेटफॉर्म से बाय करके दे रहा। हो सकता है कि हाँ मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के और भी चैनल हैं जो दूसरे ये जो जैज कैश के जरिए पेमेंट, लेकिन उनका वो ट्रस्ट नहीं है, ब्रांड नेम नहीं है। नेमकीप एक ब्रांड है, होस्टिंग एक ब्रांड है, मैं आप लोगों को उनसे बाय करके दे रहा हूँ। ब्रांड तो ब्रांड ही होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।